जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिभाषाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भगवान ग्रेसेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य सूरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदेव गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप बिना श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, द्वारका धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, मायापुर धाम की जय। एक चक्र ग्राम धाम के अयोध्या धाम की जय। गंगमय जमनमय की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु के गौर निथाय की। निथाय गौर चंद्र की। पद गोपीनाथ की जय। और गरिष्ठ सामने गोरी समस्त पद की जय। ग्राम की तो हमारे बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में नित्यानंद त्रयोदशी पर परम पूज्य हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज स्वयं विद्यमान हैं। हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु जो जब बलराम जी के रूप में आए थे तो प्रहल्लंबासुर और धेनुकासुर को पटक पटक के मार रहे थे, वही लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध किए, वही लक्ष्मण जी परशुराम जी तक पर क्रोधित हो गए, वही भगवान अब जब आए हैं तो जगाई बधाई के द्वारा फेंके हुए मटके से मार खा करके उनके माथे से खून बह रहा है। द सेम लॉर्ड हु अपीयर्ड एज लक्ष्मण, हु अपीयर्ड एज बलराम, has now descended as Nityananda Ram. किसके कारण? हमारे कारण। अगर उन जगाई मधाई को वध किया जाता, मारा जाता, तो फिर हम सबका भी हनन हो जाता, वध हो जाता। तो हमें बचाने के लिए उन्होंने गौरांग महाप्रभु से कृपा की, याचना की। उन्हीं नित्यानंद महाप्रभु के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे गुरु वृंद हैं, हमारे गुरु महाराज हैं। तो आज का दिन, टुडे इज द डे ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स, बिकॉज नित्यानंद महाप्रभु इज द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। सो लेट्स डेडिकेट, लेट्स फोकस, लेट्स मेडिटेट अपॉन द ब्यूटिफुल क्वालिटीज ऑफ अवर आचार्य वृंद, गुरुजन श्रील प्रभुपाद, अप टू नित्यानंद महाप्रभु। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट परम पूज्य महाराज कि आज नित्यानंद महाप्रभु की कृपा का हम सबके ऊपर भी वितरण करें, कृपा प्रसाद हमारे ऊपर भी कुछ छिटकाएं, जिससे हमारी आपके चरणों में और अधिक श्रद्धा बढ़े, हम लोग प्रभुपाद के और अधिक अच्छे अनुयायी बन सके। हरे कृष्णा। हाँ, हरि बोल। गिव हिम द माइक, उनको दो। नदिया गोद्र में नित्यानंद नित्यानंद महाजन,
पतियते नाम हट जीवेर कार महाजन पदियते नाम हट जीवेर कारण डबल थोड़ा जो द्रमे श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जा श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जा नदिया नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पदियते नाम हट जीवर करा अज्ञाय भाई भाई ये भिक्षा अज्ञाय भाई प्रभु अज्ञाय भाई मागे ये भिक्षा बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा नदिया नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पदियते नाम हट जीवर कर नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पदियते नाम हट जीवर कर अपराध शून्य है लोह कृष्ण ना अपराध शून्य है लोह कृष्ण ना कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्रा कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्रा नदिया नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पदियते नाम हट जीवर कर पदिया नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पदियते नाम हट जीवर कर संसार कर छड़िया नाचा कृष्ण र संसार कर छड़िया नाचा जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सा जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सा नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पदियते नाम हट जीवर कर नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पदियते नाम हट जीवर कर नित्य राम राम Nityananda, 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 Oh, Nityananda, 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 Oh, Nityananda, 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 Nadiya, Nadiya, Gaudra Maya, Nityananda, Mahajan, पदियते नाम हट जीवर कर
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda.
नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय। नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव उतना ही महान है जितना बलराम पूर्णिमा महान है। या फिर जितनी राम नवमी महान है, या जितनी लक्ष्मण नवमी महान है। हरी हरी। तो त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए भगवान, द्वापर युग के अंत में बलराम बन जाते हैं। और वही बलराम होई ललिताई, वही बलराम बनते हैं नित्यानंद प्रभु। तो इस प्रकार ये नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव राम नवमी जैसा या लक्ष्मण नवमी जैसा, बलदेव पूर्णिमा जैसा आज का भी महोत्सव है। नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव के सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। जन्म कर्म क्षमय दिव्यम एवं यो व्यति तत्वतः, कृष्ण कहे यदि कोई जानता है मेरे जन्म को तो वहाँ पर, यदि कोई जानता है नित्यानंद प्रभु के जन्म को या जन्म के लीला को और साथ ही साथ उनके तत्व को तत्वतः जानता है, फिर त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति। तो जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पांचवें अध्याय के प्रारंभ में लिखे हैं, इसको मैंने पढ़ के सुनाया भी। वैसे यह तत्व और भी विस्तार से सुनाए हैं नित्यानंद तत्व। तो वे कैसे प्रारंभ करते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। सर्वावतारी, सर्वावतारी कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण है। फिर बलराम कहाँ फिट होते हैं, तहार द्वितीय देह बलराम, बस उनका दूसरा देह, एक देह है श्री कृष्ण का विग्रह, और उन्हीं का दूसरा देह, उनका दूसरा विग्रह स्वरूप है बलराम। या तो बलराम की बातें हो, कृष्ण बलराम की बातें हो रही है, तो उसी को यदि फिर हम नित्यानंद प्रभु के तत्व को यदि समझना है, और समझना है ही, तो यदि हम बलराम तत्व को समझते हैं तो नित्यानंद तत्व को भी हम समझेंगे। क्यों, आगे कहा है, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय। कृष्ण बलराम बस एक ही है, एक ही स्वरूप है।
भिन्न मात्र काय, बस प्राकट्य दो है, व्यक्तित्व एक ही है, एक ही वे दो बन जाते हैं, एक कृष्ण और बलराम, कृष्ण बलराम के अरे अरे कृष्ण के दाहिने अंग से कृष्ण बलराम बनते हैं और कृष्ण के बाएं अंग से वे राधा रानी बनते हैं। तो कृष्ण स्वयं का द इमीडिएट एक्सपेंशन, स्वयं का जो विस्तार करते हैं, ये दो मुख्य विस्तार है, जो दोनों विस्तार कृष्ण से अभिन्न है। एक विस्तार बलराम और दूसरे विस्तार जय श्री राधे। राइट हैंड मैन, राइट एंड लेफ्ट, एक और बलराम है, दूसरी और राधा रानी है। श्री कृष्ण, अब कृष्ण और बलराम का संक्षिप्त परिचय या तत्व के दृष्टि से समझाने के उपरांत अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे लिखते, सही कृष्ण, सही मतलब वही वही कृष्ण, सही कृष्ण नवदीपे श्री कृष्ण श्री चैतन्य चंद्र, वही कृष्ण चंद्र नवदीप में या मायापुर में चैतन्य चंद्र बनते हैं। और सही बलराम मतलब वही बलराम संगे नित्यानंद, वही बलराम बनते हैं नित्यानंद। नंद नंदन जय सचि सुत होइल सई बलराम होइल निताय। तो नंद नंदन जो थे वही बनते हैं सचि नंदन, जय सचि नंदन, जय सचि नंदन, जय सचि नंदन। ये होता है नवदीप, नवदीप तो भाई नवदीप में मायापुर में। और बलराम होइल निताय, और बलराम बन जाते हैं नित्यानंद प्रभु। तो बलराम बन गए नित्यानंद प्रभु आज के दिन, नित्यानंद त्रयोदशी के शुभ अवसर पर कहो या भगवान नित्यानंद प्रकट हुए इसीलिए भी आज की तिथि शुभ हुई। हाँ, और उनका प्राकट्य एक चक्र ग्राम नाम के धाम में हुआ। एक चक्र ग्राम धाम के जो बंगाल में ही है, आप गए हो एक चक्र ग्राम, कोई गया है? अरे अरे या नेक्स्ट टाइम जब आप मायापुर बंगाल जाते हो तो अच्छा होगा यदि आप एक चक्र ग्राम भी जाओगे तो। आज के दिन हड़ाई पंडित और पद्मावती के पुत्र
रूप में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। हरि 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 ओ। तो उस समय फिर वैसा ही हुआ जैसे होता रहता है जब कृष्ण प्रकट होते हैं या और अवतार भी प्रकट होते हैं। तो बलराम भी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए तो यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वायुमंडल में सभी देवता उपस्थित थे और सब अपनी अपनी स्तुति गान कोई स्तुति गान कर रहे हैं तो कोई नृत्य हो रहा है पुष्प वृष्टि हो रही है ये सब जैसे अरे अरे मथुरा में हुआ जब ये कहना चाहिए था ये हुआ जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए देवताओं का वायुमंडल में प्रकट होना और स्तुति गान पुष्प वृष्टि तो ये एक चक्रग्राम में भी हुआ है। हरि हरि हरे कृष्ण तो वहाँ उस ग्राम के सभी जनों के आँखों का तारा थे नित्यानंद प्रभु। सभी ग्रामवासियों को प्रिय थे और अपने मित्रों को तो प्रिय थे ही। मित्रों के साथ नित्यानंद प्रभु कई सारे खेल खेलते अधिकतर उनके साथ नृत्य नाटिकाएँ रचते। नित्यानंद प्रभु स्वयं ही दिग्दर्शक होते स्टोरी राइटर एंड द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर और सारी कृष्ण बलराम की लीला राम लक्ष्मण की लीलाओं का प्रदर्शन होता तो उन लीलाओं में बलराम की भूमिका निभाते या रामलीला है तो लक्ष्मण की भूमिका निभाते। अरे अरे पर एक दिन की बात है एकदा एक परिव्राजक आचार्य आए और रहे हड़ाई पंडित के घर में ही तो उनका खूब आतिथ्य हुआ। हरी 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 चढ़ाए पंडित पुनः पुनः पूछा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। पता है इस परिव्राजक ने क्या कहा अपने पुत्र को मुझे दे सकते हो आप तो हरी बोल कह रहे हो किंतु हड़ाए पंडित वचन ऐसे विश्वामित्र भी आए थे अयोध्या और उन्होंने मांग की थी आप मुझे अपने पुत्रों को दो तो दशरथ तैयार थे क्या। तो वैसे ही अनिच्छन अपी लेकिन वचन तो दिया था आप मुँह मांगे जो आप कहोगे आपकी इच्छा की पूर्ति मैं जरूर करूँगा।
तो वैसे किए ही हड़ाई पंडित और तो तब नित्यानंद प्रभु केवल 12 वर्ष के थे, द्वादश वर्षीय। वैसे राजा दशरथ कहे थे, मेरे पुत्र तो उन 16 वर्षीय, मतलब कितने वर्ष के हैं, 15 वर्ष के हैं। उन मतलब उणे, माइनस कितना, माइनस 16 माइनस 1 कितना होता है 15। तो राम और लक्ष्मण 15 वर्ष के थे और नित्यानंद प्रभु केवल 12 वर्ष के थे। तो उनके वहाँ से प्रस्थान करने के बाद जो भी एक चक्र ग्रामवासियों का हाल हुआ या इवन अयोध्या वासियों का जो हाल हुआ, सोडोने गेला राम कसा मला, सोडोने गेला राम, मराठी में राम बिना मज चैन पड़े ना, सुचत नाही काम, सोडुनी गेला राम। तो हमको तो कल्पना ही करनी होगी, क्योंकि हमारे वैसे कल्पना के अतीत परे के ये भाव और विचार है। तो एक चक्र ग्राम के निवासियों का, या जिसको शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, तो उनके विरह की व्यथा की कथा वे ही जाने। तो नित्यानंद प्रभु अब इस प्रचारक परिव्राजक के साथ पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा परिभ्रमण करते हैं। जैसे बलराम ने भी, आपको पता होगा, उस महाभारत के युद्ध में जिसके विरोध में वैसे बलराम थे, he was not in favor of वो battle, उस तो समय बलराम सारे तीर्थों की यात्रा किए थे। तो वही बलराम अब बने हैं, बलराम होइल निताय। तो इस नित्यानंद प्रभु के लीला में भी उन्होंने वैसे भ्रमण किया जैसे बलराम ने भ्रमण किया, और भ्रमण करते करते पंढरपुर धाम के पंढरपुर तीर्थ आ गए नित्यानंद प्रभु। और उन्होंने बड़े युक्ति पूर्वक अपनी दीक्षा करवाए। कौन थे, कैसे, लक्ष्मीपति तीर्थ नाम के ऐसे मध्व संप्रदाय के आचार्य उन दिनों में वहाँ थे पंढरपुर धाम में। उनके स्वप्न में आए नित्यानंद प्रभु, क्या कल एक व्यक्ति आएगा आपके चरणों का आश्रय लेने के लिए, उसको स्वीकार करो,
उसको दीक्षा दो, तो लक्ष्मीपति तीर्थ ऑफ कोर्स तैयार थे। तो दूसरे दिन एक व्यक्ति पहुंच ही गए थे जैसे कहा था स्वप्न में, स्वप्न आदेश में। तो लक्ष्मीपति तीर्थ ने उनको दीक्षा दे भी दी। हरिभा तो नित्यानंद प्रभु की दीक्षा पंडरपुर धाम के पंडरपुर धाम में हुई। और फिर दीक्षा के उपरांत नित्यानंद प्रभु वहाँ से प्रस्थान भी किए और उस रात्रि को पुनः स्वप्न में दर्शन दिए। वैसे पहले एक रात को जब स्वप्न में दर्शन दिए थे वो बलराम के रूप में दर्शन दिया था, और अब दीक्षा के उपरांत जब स्वप्न में दर्शन दिए तो पहले तो वह बलराम राधा गोपीनाथ के बलराम के रूप में दर्शन दिया, फिर बलराम के बन जाते हैं नित्यानंद। जिस नित्यानंद को उन्होंने दीक्षा दी थी तो वे समझ गया मैंने भगवान को दीक्षा दी, अच्छा नहीं हुआ। तो तीर्थयात्रों का भ्रमण करते करते नित्यानंद प्रभु वृंदावन धाम के वृंदावन पहुँचते हैं। वृंदावन में भी परिभ्रमण परिक्रमाएँ करते करते वे राधा कुंड पहुँचते हैं। वैसे भी वे सोच रहे थे और अपेक्षा कर रहे थे कि अब यहाँ नित्यानंद प्रभु बलराम भाव में भी वृंदावन में है तो उनको कृष्ण का भी स्मरण तो हो ही रहा है ऑफ कोर्स। और ये भी सोच रहे हैं कि जैसे मैं तो प्रकट हुआ हूँ भी नित्यानंद प्रभु के रूप में, जरूर मेरे भ्राता श्री दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया मेरे भैया भ्राता श्री जरूर प्रकट हुए होंगे। और फिर उनको संकेत भी मिलते हाँ हाँ प्रकट हुए हैं, और उनका प्राकट्य नवद्वीप मायापुर में हुआ है। और इसका पता चलते ही नित्यानंद प्रभु दौड़ पड़े मायापुर की ओर। और वहाँ पहुँचकर अपना मैं तो बहुत दूर से यहाँ तो आ ही गया, अब ये मेरे भ्राता श्री कन्हैया को मिलने, तो अब उनको उनको आने दो जहाँ मैं हूँ। तो वे वहाँ नवद्वीप मायापुर में नंदन आचार्य भवन करके एक स्थान है, जो इस्कॉन का जो मायापुर चंद्रोदय मंदिर का जो फ्रंट गेट है, चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती मार्ग जो रोड है सामने वाला, वहाँ से एक
केवल 100 मीटर दूरी पर नंदन आचार्य भवन, तो वह लीला तो ऐसा ही एक सेकंड में कह देते हैं, लेकिन लीला तो वह चलती रहती है कई घंटों तक या दिनों तक या मास या वर्षों तक। हरी हरी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद प्रभु समझ गए, चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु पधारे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कई भक्तों का, ए जाओ खोजो पता लगवाओ कहाँ है नित्यानंद प्रभु। तो कई गए और निराश होके लौटे, नहीं नहीं कहीं नहीं, कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले हमको। बलराम छिपना चाहते तो कोई उनको खोज सकता है, कुछ पता लगवा सकता है। तो फिर स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी खोज में निकले और वे सीधे नंद भवन पहुँच ही गए और वहाँ सर्वप्रथम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अब कुछ 20 वर्ष के थे। ये कहना सही भी नहीं है, उचित ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर कहना पड़ता है। भगवान 20 वर्ष के होते हैं क्या? भगवान तो सत चित आनंद शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ओके, तो चैतन्य महाप्रभु 20 वर्ष के थे और नित्यानंद प्रभु कुछ 32 वर्ष के थे। तब मायापुर में नंद नंदन भवन में इन दोनों का गौरांग गौरांग नित्यानंद इनका मिलन हुआ, या महामिलन हुआ। उस मिलन का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ही कर सकते हैं, जो स्वयं श्रील व्यासदेव है। जब गौरांग और नित्यानंद प्रकट हुए हैं तो उनके लीला का वर्णन करने या लिखने स्वयं श्रील व्यासदेव प्रकट होते हैं और वे बन जाते वृंदावन दास ठाकुर के, और वे लिखते हैं चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ। श्रीमद् भागवत तो लिखे ही थे श्रील व्यासदेव, अब जिसमें कृष्ण बलराम के लीलाओं का वर्णन है। तब कृष्ण बलराम बने हैं गौरांग और नित्यानंद, तो वही श्रील व्यासदेव प्रकट होते हैं और एक भागवत लिखते हैं, उसका नाम है चैतन्य भागवत। इस चैतन्य भागवत के प्रारंभ में ही ऑफ कोर्स गौरांग और नित्यानंद की गौरव गाथा गाना प्रारंभ करते हैं। तो वे गाते हैं लिखते हैं संकीर्तनै कपितरो कमलायताक्षो अजानुलंबित भुजो
कनकावधातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। तो यहाँ वे दोनों का गौरांग और नित्यानंद की स्तुति का गान या स्तुति कर रहे हैं, ये कह के क्या कह रहे हैं। वैसे तो ये अजान लंबित भुजो है कमलायताक्षो, यह आओ 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 कह रहे हैं। संकीर्तनैक पितरौ विश्वंभरौ द्विज वरौ, मतलब क्या कह रहे हैं, क्या कहने का, दो का उल्लेख हो रहा है, दो का, राम एक राम, रामौ दो राम, रामा अनेक राम, अनेक राम तो नहीं है, या है भी तो फिर परशुराम एक हो गए, बलराम दूसरे हुए, और श्री राम नित्यानंद राम, तो इन्हें रामा, तो इन दोनों का उल्लेख हो रहा है, क्योंकि सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। या स्पेशली वो नोट करने वाली बात है, वह सभी बातें नोट करने वाली ही है, किंतु संकीर्तन ही के पितरो, इस संकीर्तन आंदोलन के पिताश्री, फाउंडिंग फादर्स, फाउंडिंग सुप्रीम फादर्स कितने हैं, दो है, या वैसे एक ही है, एक के दो हुए हैं, वे कृष्ण ही है, लेकिन वे बलराम भी बन जाते हैं, वे चैतन्य महाप्रभु ही है, लेकिन वो नित्यानंद प्रभु भी के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार ये गौरांग और नित्यानंद प्रभु इस संकीर्तन आंदोलन के संस्थापक, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये दोनों भी प्रकट हुए हैं कलयुग के धर्म की स्थापना हेतु, और कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जो संकीर्तन या जो हरि नाम ऐसे प्रेम भी है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, इन दोनों ने मिलके, उन्होंने लीडरशिप लेके उसे हरि नाम धर्म की स्थापना करते हैं। और इसी के साथ प्रेम पुमार्थो महान, चार पुरुषार्थो, बट हु केयर्स, चार पुरुषार्थ इवन मोक्ष की भी अभिलाषा वैष्णव तो नहीं करते, और जिसको या चैतन्य महाप्रभु कहे, और
पंचम पुरुषार्थ वो है प्रेम. जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति. तो इस प्रेम का, इस हरि नाम के रूप में वितरण किए, इसके स्थापना किए, दोनों टीम बन जाते हैं. हरी हरी. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मायापुर में 4 साल साथ में रहे, for 4 years. अब जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष के होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का सन्यास, निमाय सन्यास होता है. तो इन 4 वर्षों के कालावधि में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों मिलके संकीर्तन करते रहे. एक तो प्रारंभ में श्रीवास आंगन में कीर्तन होता रहा. वैसे इस टीम के साथ कृष्ण और बलराम के साथ और कौन थे, जहाँ तक तत्व की बात है और फिर पंच तत्व की बात है, तो 5 तत्वों में भगवान प्रकट हुए हैं. और वे है पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. इसी को हम कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. तो यह चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है, अद्वैताचार्य महाविष्णु है, गदाधर राधा रानी है और श्रीवास नारद मुनि है. इस प्रकार की टीम भी है या फिर इस प्रकार का भी आगे विस्तार है, गौरांग नित्यानंद फिर. और वो टीम तब भी पूरी होती है श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद, गौरांग महाप्रभु के भक्त वृंद. वैसे सभी ने मिल के धर्म की स्थापना, हरिनाम धर्म की स्थापना की है. तो श्रीवास आंगन में कीर्तन हो रहा था साल भर के लिए, बढ़िया से चल रहा था. किंतु वह अद्वैत आचार्य इससे प्रसन्न नहीं थे. मैंने तो आपको पुकारा हे गौरांग और आप चले आए, अच्छा हुआ, थैंक यू, धन्यवाद. किंतु आप यहाँ आकर भी केवल शुद्ध भक्तों के संग में ही कीर्तन कर रहे हो, ओनली प्योर डिवोटीज आर अलाउड श्रीवास आंगन में होने वाले संकीर्तन में. तो अद्वैत आचार्य को इतराज था, ही हैड अ बिग ऑब्जेक्शन. तो उन्होंने विशेष निवेदन किया और उस निवेदन को सुने भी नित्यानंद दोनों भी, स्पेशली कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. और तब से कीर्तन प्रारंभ हुए.
सारे नवदीप भर में ओ दिलवार न पूरब भागे दिज मनि गुर अमनि जागे भकत समूह लैया साथे गेलो नगर भ्रजे तथाई तथाई बाजे लखोल घन घन ताहे झांझेर रोल प्रेमी ढल ढल सोनार अंग चरने नुपुर बाजे। तो फिर इन कीर्तनों में गौरांग और नित्यानंद प्रभु इस कीर्तन को कहो प्रभात में सुप्रभातम हो रहा है या प्रभात फेरी हो रही है, नगर संकीर्तन हो रहे हैं। अरे अरे तो इन दिनों में भी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ऐसे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर सभी को ऐसे सभी को आदेश, लेकिन इस जारे देखो त्यारे कहो वो थोड़ा बाद में हो, बाद में हुआ। इसके पहले ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे सुनो सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद, प्रति घरे गिया करह अमार अज्ञा प्रकाश, बोलो कृष्णा भज कृष्णा कर कृष्ण शिक्षा। हे नित्यानंद और हरिदास, तो नित्यानंद तत्व जो बलराम ही है, फिर बलराम तत्व ये गुरु तत्व है, ये गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है। नित्यानंद प्रभु गुरु की भूमिका निभाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जाओ सर्वत्र जाओ और क्या करो सभी को कहो बोलो कृष्णा भज कृष्णा कर कृष्ण शिक्षा। तो फिर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर बनाई अपनी टीम बनाई और उसी के अंतर्गत उन्होंने जगाए और मधाए का उद्धार किया। उसे उनका उद्धार करने वाले जगाए मधाए पर विशेष करुणा का प्रदर्शन करने वाले नित्यानंद प्रभु ही थे। अरे अरे नित्यानंद प्रभु ने ही मंत्र दिया जगाए मधाए को, उन्होंने कहा था ए बोलो कृष्णा कहो कृष्णा कहो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। शुरुआत में तो वो तैयार नहीं थे, किंतु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु वैसे दोनों भी गुरु है, हरिदास ठाकुर भी ब्रह्मा है और ब्रह्मा भी हमारे परंपरा के प्रथम आचार्य गुरु तो ब्रह्मा ही है, तो ये दोनों गुरु बने हैं, गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। तो
तो गौरांग महाप्रभु से भी अधिक करुणा का प्रदर्शन या नित्यानंद प्रभु गुरु रूप में कर रहे हैं। देखो उस मधाई ने क्या नहीं करना पड़ता, जो शराब की बोतल या पे घड़ा ही होगा सम फॉट कुछ आदि पी लिए थे और उनको ऐसे ऐसे जनों को प्रचार भी करना पड़ता है यहाँ नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं। तो सारा सहन लिए नित्यानंद प्रभु खून से रक्त से लथपथ हुए हैं। तभी तो उनका निवेदन चल ही रहा है से चैतन्य महाप्रभु आप पहुंचे हैं, लेकिन वे तो सुदर्शन के चा सुदर्शन चक्र के साथ पहुंचे। सुदर्शन तो चैतन्य महाप्रभु दूसरे प्रकार की दया दिखाना चाहते थे इस जगाई और मधाई के ऊपर, किंतु नित्यानंद प्रभु ने कहा ना प्रभु प्रभु नो ना। नित्यानंद प्रभु की करुणा का दर्शन कर ही रहे हैं जगाई मधाए। पशुपाकी झूरे पाषाण भी दरे सुनि जर गुण गाथा। तो नित्यानंद प्रभु की भी गुण गाथा और यहाँ तो अनुभव कर रहे थे जगाई मधाए। तो उसे पिघल गए और दोनों भी शरण में आ गए। और दोनों ने भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप करने का भी संकल्प लिया और ये भी संकल्प लिया कि आज से हम विल फॉलो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, चार नियमों का पालन करेंगे। नो मीट ईटिंग, अंग्रेजी में तो नहीं कहा होगा नो मीट ईटिंग, नशा पान नहीं करेंगे। हाँ अब दूसरी इनको नशा चढ़ गई, हरि नाम की नशा, नशा पान नहीं करेंगे। अवैध स्त्री पुरुष संग नौ नौ मोर जुगार नहीं खेलेंगे। और इस लीला के साथ दोनों ने भी गौरांग और नित्यानंद प्रभु ने, स्पेशली नित्यानंद प्रभु ने ये सिद्ध करके दिखाया दीनहीन यत छिलो हरिनामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाई। और इसके साक्षी वैसे नित्यानंद प्रभु भी है। हरी हरी। तो नित्यानंद प्रभु या चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं कुछ ही गिने चुने से पांच ही व्यक्तियों को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कॉन्फिडेंशियली मैं संन्यास लेने वाला हूँ। तो उसमें से एक थे नित्यानंद प्रभु। तो जब संन्यास समारोह संपन्न हुआ काटवा में
उसके साक्षी भी रहे नित्यानंद प्रभु, और संन्यास समारोह के उपरांत जब चैतन्य महाप्रभु उसे जाना तो चाहते थे वृंदावन, किंतु नित्यानंद प्रभु ने बड़े युक्तिपूर्वक उनको और अद्वैताचार्य के मदद से उनको शांतिपुर ले आए और वहाँ सच्ची माता के साथ मिलन भी हुआ। तो सच्ची माता के साथ मिलन गौरांग महाप्रभु का, इसके पीछे भी नित्यानंद प्रभु ही रहे। और जब सच्ची माता ने कहा नहीं नहीं बेटा, वृंदावन से दूर है, जगन्नाथपुरी में रहो, जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं जब चैतन्य महाप्रभु, तो साथ में नित्यानंद प्रभु को साथ में ले जाते हैं, कुछ ही भक्तों को, उसे चार पांच ही भक्त थे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। तो इस प्रकार ये जोड़ी रहती है, जैसे कृष्ण बलराम सदैव साथ में रहे हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु साथ में रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी में भी कुछ समय तो साथ में रहे ही, और जब अब चैतन्य महाप्रभु को अपनी और गोपनीय लीलाओं का अनुभव करना था, ऐसे प्रदर्शन तो नहीं करना था, किसी को दिखाना तो नहीं था, जो था वे राधा राधा भाव का अनुभव, अब वे राधा ही बनने वाले थे, वैसे थे अब तक थे वे राधा भी, किंतु अब तक वैसे एज ए कृष्णा वे लीला खेल रहे थे, राधा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो शुरुआत में तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का रोल या भूमिका निभाते हैं, जगन्नाथपुरी में पहुंचने के उपरांत कई सालों के उपरांत वैसे अब वे राधा जिस उद्देश्य से वे प्रकट हुए थे या मुख्य उद्देश्य, राधा या राधा का भाव, राधा को ही जानना चाहते थे। तो इस समय तो जहाँ राधा होती है या जहाँ राधा कृष्ण साथ में होते हैं वहाँ बलराम नहीं होते, तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे मुझे अब से अंत तक मैं कौन सी लीला खेलने वाला हूँ या खेलना चाहता हूँ या राधा रहेगी। तो उस वक्त चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते आप गो बैक टू बंगाल, यस आई टू स्टॉप, इसकी मैं प्रतीक्षा कर ही रहा था। तो वैसे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का संग तो खूब चाहते ही थे, किंतु पुनः अनिच्छा न भी इच्छा नहीं होते हुए भी महाप्रभु का आदेश था, तो नित्यानंद प्रभु अपने कुछ परिकरों के साथ
वे बंगाल के लिए प्रस्थान करते हैं। पहले तो वे कहाँ पानीहाटी आते हैं और पानीहाटी में उनकी लीलाएं जो संकीर्तन लीला ही है, कीर्तन नृत्य है और कृष्ण कीर्तन का हरि नाम का प्रचार करने का ही वैसे आदेश वैसे भी पहले ही हुआ ही था जब वे नवदीप मायापुर में थे और अब फ्रेश पुनः वो इंस्ट्रक्शन रिपीट हुई। तो नित्यानंद प्रभु आ जाते बंगाल तो शुरुआत होती है पानीहाटी। पानीहाटी में दही चीड़ा महोत्सव संपन्न होता है और वहाँ होने वाले कीर्तन और नृत्यों का क्या कहना। और वहाँ से आगे बढ़ते हैं नवद्वीप की ओर और वहाँ प्रचार जारी रखते हैं। नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पतिया चे नाम हट जीवेर कार। तो गोद्रम नाम का एक द्वीप है, नव द्वीपों में से एक द्वीप है गोद्रम द्वीप। तो इस गोद्रम द्वीप में नित्यानंद प्रभु नाम हाट प्रारंभ करते हैं। नाम हाट मार्केट प्लेस ऑफ द होली नेम। और वैसे इस्कॉन के जितने भी टेम्पल्स है मंदिर है ये भी क्या है नाम हाट ही है। तो इस नाम हाट के फाउंडर नित्यानंद प्रभु है। और नित्यानंद प्रभु बलराम है लेकिन गुरु है, गुरु तत्व का प्रदर्शन होता है। तो वे प्रचार करते हैं हरि नाम का प्रचार किया नित्यानंद प्रभु ने। इस प्रकार ये गुरु और गौरांग नित्यानंद प्रभु गुरु बने हैं और गौरांग गौरांग है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। एक समय या चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के बाड़ी में या निवास स्थान पर ही रहते थे। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर वहाँ बनाया था। फिर जीव गोस्वामी राम केली से वहाँ पहुँचते हैं। He wanted to join ISKCON. Yeah, Krishna Bhavana Andolan ko join karna chahte the. So, sara chhod chhad ke, sare raste naate tod ke, ve Navadvip Mayapur aaye to seedhe ve se Srivas Thakur ke घर पर पहुंचते हैं और वहाँ नित्यानंद प्रभु को साष्टांग दंडवत और भेंट और मिलन होता है। इसी जीव गोस्वामी को अब चैतन्य नित्यानंद प्रभु गाइड बनते हैं और सारे नवद्वीप की परिक्रमा करवाते हैं। और जो नवद्वीप की परिक्रमा करा रहे थे जीव गोस्वामी की तो उस समय वे कहते ये खाने इस स्थान पर है वे अद्भुत मंदिर। या यहाँ पर मंदिर बनाओ होगा जहाँ से चैतन्य महाप्रभु के दी हुई भेंट का
वितरण होगा, हरि नाम का वितरण होगा, या जहाँ से बोलो कृष्णा, भज कृष्णा, कर कृष्णा शिक्षा होगा, तो जहाँ उंगली करके दिखाए थे ये खान है यहाँ पर होगा, वहीं पर श्री प्रभुपाद और उनका इस्कान अद्भुत मंदिर का निर्माण कर रहा है, इसको TOVP कहते हैं, टेंपल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम, जिसका उद्घाटन अब धीरे धीरे इन फेजेस हो रहा है और एक साल भर में तो पूरा होगा ही। तो टू मेक द कनेक्शन विथ इसका नागपुर का टेंपल प्रोजेक्ट, तो जैसे नित्यानंद प्रभु आदि गुरु नित्यानंद प्रभु ने कहा एकान है यहाँ होगा मंदिर, वैसे ही उन्हीं की परंपरा में नित्यानंद गौर नित्यानंद की परंपरा में श्री प्रभुपाद कहे थे नागपुर में होगा मंदिर, और फिर उसी को फिर आगे हम भी और मैं भी कह यहाँ होगा मंदिर, आप जानते हो कहाँ, एम्पीरियन में होगा मंदिर। तो नित्यानंद प्रभु के आदेश का पालन या इच्छा या विल का एग्जीक्यूशन मायापुर में हो रहा है, तद्वत वैसे ही नागपुर में प्रभुपाद की इच्छा उन्होंने प्रकट की, उसका एग्जीक्यूशन उस पर अमल करने की जिम्मेदारी किसकी है, केवल सच्चिदानंद प्रभु या केवल हरि कीर्तन प्रभु और केवल लोकनाथ स्वामी बनाएंगे, हम देखते रहेंगे। तो हुआ तो उसी परंपरा में हम भी आप सबको ऑलमोस्ट आदेश ही दे रहे हैं, ये कोई निवेदन नहीं है। तो हुआ नित्यानंद प्रभु के प्रसन्नता के लिए हम पुनः यदि आज संकल्प ले सकते हैं तो नागपुर में और जो भूमि एम्पीरियन में प्राप्त हुई है वहाँ पर मंदिर बना के ही रहेंगे। कैरी बोल मतलब बना के ही कहो, बना के ही रहेंगे, बना के ही रहेंगे, राम आ रहे हैं या राधा गोपीनाथ आ रहे हैं, गौर नित्यानंद आ रहे हैं, उनके लिए कब तक, कुछ ही वर्षों में हम मंदिर बनाएंगे। अभी आप कुछ हम सब मिलकर मंदिर बनाएंगे और प्रेम आनंदे।